हे वन, तो वेच्चा बनाने के लिए सबसे पहले हम तवा को गर्म करके उस पे 3 टीस्पून जीरा डालेंगे। उसके बाद हम उस पे 3 टीस्पून धनिया भी डालेंगे एंड ये लगभग 20 के आसपास ये काली मिर्च है। सारे मसाले हम खड़े ले रहे हैं ताकि हम इसको अपने तरीके से एक हम स्पेशल जो है मसाला रेडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 6-7 लौंग, 3 तेज़पत्ता और 3 इलायची, 3 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा। लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे अच्छे से मिक्स करके, अदरवाइज़ जो नीचे का जो मसाला है ना वो जल जाएगा। ठंडा करके हम इसको मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। ये हम स्पेशल मसाला बना रहे हैं जो कि हम अपने वेज चॉप में यूज़ करने वाले हैं। ये वेज चॉप बेसिकली कोलकाता में खाया जाता है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे ये। अब हम सब्जियाँ बॉईल करेंगे। सब्जियों में हमने लिया है 2 बीट, 6-7 छोटे आलू और 2 गाजर। थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से हम बॉईल करेंगे। सब्जियों को हमने इस तरीके से इसलिए बॉईल किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सब्जियों का फ्लेवर वो पानी में बह जाए। एक्स्ट्रा पानी छान के हम इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे। मैश कर लेने के बाद कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट लगभग 1 से 1.5 चम्मच, फिर हम डालेंगे थोड़े से 1-2 ग्रीन चिलीज, और अब जो हमारा मैश था वो हम मैश इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना मसाला जो हमने शुरुआत में तैयार किया था। सारा मसाला इसमें डाल देंगे। और आप जब भी वेजिटेबल चॉप बनाएं आप यही वाला मसाला यूज़ करें क्योंकि एक बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर इसमें ऐड करता है। क्योंकि ये डिश जो है वो कोलकाता का है तो चीनी डालना तो बनता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा कर लेंगे। जब हमारा मसाला ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुने हुए पीनट्स जो कि थोड़े से मैंने क्रश कर लिया और थोड़े को ऐसे छोड़ दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बादाम इवनली स्प्रेड हो जाए पूरे मैश में। अब रेसिपी को आगे लेके चलते हैं। एक बाउल में हम लेंगे थोड़ा सा 1/2 कप पानी, उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ज़रा सा हम यहाँ पे नमक भी डालेंगे क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ये आउटर कवर बनेगा हमारे वेजिटेबल चॉप का, और उसमें भी एक टेस्ट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम मिक्स करके एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख लो, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये मैंने कुरकुरा करने के लिए यहाँ पे चूरा को पीस लिया है, कच्चा चूरा। आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो। अब हमारा सब कुछ रेडी है। हम यहाँ पे मैश जो हमने बनाया था उसको शेप दे रहे हैं। आप राउंड शेप या ओवल शेप, जैसा भी आपको खाना पसंद है आप उसको वैसा शेप दे दो। हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप दे रहे हैं क्योंकि हमारे घर के आसपास जो वेजिटेबल चॉप बिकता है ना उसका शेप सिलेंड्रिकल ही होता है। घोल से निकालने के बाद जो हमारा चूरा का जो पाउडर है उसमें डालेंगे और चारों तरफ अच्छे से चूरा लगा देंगे ताकि वो हर तरफ से क्रिस्पी हो। बाकी के जो हमारा मैश है उसको भी हम सेम वे में पहले घोल में डालेंगे, फिर चूरा में डालेंगे और इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अब फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करके हम अपने सारे जो वेजिटेबल चॉप है हम उसको इस तरीके से अच्छे से दोनों तरफ से घुमा घुमा के
डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसको अवन में या फिर एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और ऑयल खाना अवॉइड करना चाहते हो तो। फ्राई करने के वक्त फ्लेम हमेशा लो रखें, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी पकी हुई है, मसाला भी ऑलरेडी पके हुए हैं, तो हमें बस इसको लो फ्लेम पे क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ डीप फ्राई वाले वेजिटेबल चॉप टेस्टी बनेंगे और एयर फ्रायर वाले या अवन वाले टेस्टी नहीं बनेंगे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2-3 पीसेस एयर फ्रायर में भी ट्राई किया था, और सच कहूँ तो वो भी बिल्कुल इतने ही टेस्टी थे, बस वो थोड़े ड्राई थे और ये ऑयल में छने हुए हैं, इसकी वजह से ये थोड़े अंदर से सॉफ्ट टाइप के थे। पर एयर फ्रायर वाले या अवन वाले भी डेफिनेटली ये डीप फ्राई वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे सारे वेजिटेबल चॉप फ्राई होके रेडी हैं। आप इसको फेवरेट चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, जैसे मेयोनीज, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, मिंट की चटनी एक्सेट्रा। कोलकाता की इस फेमस रेसिपी को आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।